हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बाइट। आज स्टोरी टाइम में मैं सुनाऊंगी कहानी सूरज, चंदा और तारों की। कहानी का नाम है चंदा गिनती भूल गया। हमारा प्यारा चंदा यानी मून, चांद, जिसे बच्चे प्यार से चंदा मामा भी बुलाते हैं। कभी तो एकदम गोल मटोल और कभी टेढ़ा मेढ़ा, चंदा रोज रात घूमने निकलता। एक रात आसमान में तारों को देखकर उसने सोचा, इतने सारे तारे, चलो इनकी गिनती करता हूं। और वो उन तारों की काउंटिंग करने लगा, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 50, 203, 500, 11, 4000, 6, 20000, 2 लाख, 6000, 1 करोड़। और गिनती करते करते सुबह हो गई। अगले दिन चंदा ने फिर से गिनती शुरू की, पर कभी तो वो गिनती भूल जाता और फिर से शुरू करने में सुबह हो जाती, सूरज बादलों के पीछे से झांकने लगता। ये सब होते होते बहुत दिन बीत गए और एक दिन चंदा परेशान होकर रोने लगा, ये क्या हो रहा है, क्या मैं गिनती भूल गया हूं, इतने सारे तारे, मैं गिनती पूरी ही नहीं कर पाता, मुझे पता चल करना है कि कितने तारे हैं। उसे रोता देख सूरज को हंसी आ गई। अरे चंदा, इतनी सी बात पर रोते क्यों हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आसमान में कितने तारे हैं। अब सूरज ने प्रॉमिस तो कर दिया, उसे पूरा भी करना था। अगले दिन सूरज निकला, उसने आसमान में ध्यान से देखा, एक भी तारा नहीं था। फिर उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, उसे एक छोटा सा तारा भी नहीं दिखा। सूरज को बहुत हैरानी थी। शाम को थक कर वो घर लौटा। घर आकर चंदा ने पूछा, सूरज सूरज, कितने तारे मिले बताओ। सूरज ने कहा, एक भी नहीं, मैं फिर कोशिश करूंगा। चंदा बोला, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि आसमान में कितने तारे हैं, तुम्हारी मेरी कुट्टी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। सूरज ने कहा, मैं तुम्हें पक्का बताऊंगा आसमान में कितने तारे हैं। अगले दिन सूरज फिर निकला, उसने बादलों के पीछे झांका, कोई तारा नहीं मिला। फिर पहाड़ों के बीच में जाकर ढूंढा, एक भी तारा नहीं। जंगलों में पेड़ों के पीछे पीछे जाकर सूरज ने झांका, पर सूरज को एक भी तारा नहीं दिखा। सूरज हैरान था, सारे तारे कहाँ गए। बच्चों, आपको पता है तारे किधर गए? तारे कहीं नहीं गए, तारे वहीं होते हैं, पर सूरज की रोशनी में हमें नहीं दिखते। स्टार्स सिर्फ रात के समय दिखते हैं, जब एकदम अंधेरा, डार्क होता है। अब सूरज शाम के समय परेशान होकर थक कर घर लौट रहा था, तभी उसने देखा बहुत सारे बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। तभी उसने कान लगाकर उनका गाना सुना। बच्चे गा रहे थे, धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में उतने ही हैं तारे। धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में उतने ही हैं तारे। ये गाना सुनते ही सूरज खुशी से उछल पड़ा, अरे मुझे मालूम चल गया, अरे वाह। और सूरज घर की तरफ दौड़ा,
घर पहुंचते ही उसने चंदा को आवाज लगाई, चंदा सुनो सुनो। चंदा भाग कर आया और पूछा, कुछ मालूम चला क्या? सूरज बोला, हाँ हाँ मुझे मालूम पड़ गया, आसमान में कितने तारे हैं। चंदा ने पूछा, कितने हैं कितने हैं, जल्दी बताओ ना। सूरज गाने लगा, धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में उतने ही हैं तारे। ये बात सुनते ही चंदा बहुत खुश हुआ। अब चंदा रोज रात को निकलता, इधर उधर घूमता टहलता और सुबह बच्चों को जागते देख ये गाना गाता, धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में उतने ही हैं तारे। तो ये थी कहानी चंदा गिनती भूल गया। आई होप आपने एंजॉय की होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह आसमान में तारे चमकते हैं, उसी तरह हमेशा आप भी चमकते रहना। ऑलवेज कीप शाइनिंग लाइक स्टार्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।